हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का पहला लेसन जो फ्लेमिंगो बुक का है द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंसो डोडो, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टोरी पढ़ने से पहले हम इस अबाउट द ऑथर के बारे में देख लेते हैं। अल्फोंसो डोडो वाज अ फ्रेंच नावलिस्ट एंड स्टोरी राइटर। अल्फोंसो डोडो एक फ्रेंच नावलिस्ट थे, फ्रांस के नावल लिखने वाले एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्सियन वार 1870-1871। द लास्ट लेसन जो चैप्टर का टाइटल है, ये फ्रेंको और पर्सियन वार जो 1870-71 के बीच में हुआ था, उन दिनों की कहानी है। इन विंच फ्रांस वाज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी। इन पर्सिया बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसे पर्सिया ने हराया था, जिसके लीड किया था युद्ध को बिस्मार्क ने पर्सिया की तरफ से। पर्सिया दिन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट वी नाउ आर गोइंग नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। पर्सिया उस समय तीन राष्ट्रों से मिलकर बना था, जिनमें जर्मनी था, पोलैंड था और उसका ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा था। तो अब इस स्टोरी में हम देखते हैं सीधे कि किस प्रकार पर्सिया ने जब फ्रांस को जीत लिया तो उसने वहाँ पर क्या क्या बदलाव किए। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट डैट मॉर्निंग, उस सुबह मैंने स्कूल बहुत देर जाना शुरू किया। एंड वॉच ए ग्रेट इन ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझे बहुत अधिक डर लगा हुआ था डांटे जाने का, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड, खासकर क्योंकि एच हेमल जो हमारे टीचर थे हैड सेड, उन्होंने कह रखा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं इसका पहला भी शब्द नहीं जानता था या पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी जानता नहीं था। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि मैं स्कूल से भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और अपना समय स्कूल से बाहर बिताऊं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, क्योंकि उस दिन मौसम बहुत गर्म था, बहुत सुंदर था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, पेड़ों पर चिड़िया जो थी चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल मन होता आरा मशीन की जो फैक्ट्री थी। एंड इन द ओपन फील्ड, एक खुले स्थान पे जहाँ पे आरा की मशीन लगी हुई थी, द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वहाँ पे पर्सियन सेना ड्रिलिंग कर रही थी, मार्च पास्ट कर रही थी। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा लालच दे रही थी बजाय कि पार्टिसिपल के नियम याद करने के। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं अपने रोक सकता था। एंड हरी ऑफ टू स्कूल, हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल से बाहर भाग सकता था। वेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देर वॉज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, मुझे न्यूज़ बोर्ड पर जहाँ पर समाचार पत्र प्रकाशित होते थे वहाँ पर कुछ भीड़ दिखाई दी। फॉर द लास्ट टू ईयर्स, पिछले दो सालों से ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, इस न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड से हमें बुरी ही खबर मिलती थी, जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध का हार जाना, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, ड्राफ्ट का और कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर आना। एंड आई थॉट, और मैं सोच रहा था टू माई सेल्फ, अपने आप में, विथआउट स्टॉपिंग, वहाँ बगैर रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। देन एस आई हरीड भाई एस फर्स्ट एस आई कुड गो, तब मैं जल्दी से वहाँ, जितनी जल्दी से हो सकता था मैं गया। द ब्लैक स्मिथ, वहाँ पे एक जो लोहार खड़ा था जिसका नाम वास्टर था, हु वॉज देयर, जो वहाँ था विथ हिज अप्रेंटिस, अपने सहायक के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था या न्यूज़ बोर्ड को पढ़, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझसे कहा डू नॉट गो सो फास्ट, तुम्हें इतनी तेज़ जाने की ज़रूरत नहीं है बॉब बच्चे, यू विल बी गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम पर स्कूल पहुँचने का तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एच हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और जब मैं मिस्टर एम हेमल जो हमारे टीचर थे उनके छोटे से गार्डन पहुंचा, तो मेरी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, काफ़ी ज़्यादा शोरगुल होता था, विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, खासकर डेस्क का खुलना और बंद होना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक सुर में लेसन का दोहराया जाना, वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ में, विथ अवर हैंड्स ओवर
ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम लोग अपने हाथों को कान पे रख लेते थे जिससे कि बहुत अच्छी तरह समझ सके। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के रूलर की मेज पे थपथपाने की आवाज़ सुनाई देती थी। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब बिल्कुल सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशंस, मैंने हम इसी शोरगुल पर निर्भर रहते थे टू गेट टू माई डेस्क विथआउट बींग सीन, और डेस्क के सहारे मैं वहाँ से बगैर देखे चुपचाप पहुँच जाऊँ। बट ऑफकोर्स, लेकिन वास्तव में द डे एवरी थिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वो दिन उस दिन इतना शांत था जैसे कि कोई संडे की मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो, खिड़की से आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, मैंने देखा कि मेरे साथी सब पहले ही अपने स्थानों पर बैठ चुके हैं। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मैंने देखा कि एच हैमल जो हमारे टीचर थे वो क्लास में आ जा रहे थे अपने भयानक या डरावने लोहे की छड़ के साथ अंडर हिज आर्म, जो उनकी बाहों के नीचे था। आई हैड ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने मुझे वह जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लेस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, आप कल्पना कर सकते हो कि मैं उस समय कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एच हैमल ने मुझे बहुत मरी और देखा और बहुत प्यार से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, वी वर बिगनिंग विथआउट यू, हम तुम्हारे बगैर क्लास शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ट ओवर द बेंच, मैं कूद कर बेंच पे गया एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं डेस्क पे बैठ गया। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, और जितनी जल्दी हो सका मैंने अपने डर पे काबू पाया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, और इसी बीच मैंने देखा कि मेरे जो टीचर थे वो ग्रीन कोट, सुंदर सा ग्रीन कोट अपना पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी जो झालरदार शर्ट थी वो पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी रेशम की कैप पहने हुए थे, काली टोपी पहने हुए थे, एम्ब्रॉयडर्ड जो कढ़ी हुई थी, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय जब स्कूल का निरीक्षण हो या प्राइज डे हो। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम टू स्ट्रेंज एंड सोलमन, पूरा स्कूल बहुत विचित्र और शांत दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया मोस्ट मैंने अत्यधिक, वाज टू सी, वो ये देख करके ऑन द बैक बेंचेस, के जो पीछे की बेंचेस थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, गाँव के लोग हमारे जैसे शांति से बैठे हुए थे। उनमें एक व्यक्ति था ओल्ड हाउसर विथ हिज थ्री कॉर्नर हैट, जो अपनी तीन कॉर्नर वाली हैट पहने हुए था। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त दूसरे गांव वाले बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर व्यक्ति बहुत शांत दिखाई दे रहा था, दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हाउसर हैज ब्राउट एंड ओल्ड प्राइमियर थम्ड एट हिज एज ही हेल्ड इट ओपन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउसर अपने साथ एक पुरानी प्राइमरी की बुक लाए थे, ABCD वाली, थम डेट एज, जिनके किनारे मुड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन हिज नीज, और उससे अपनी घुटनों पर खोले हुए थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और अपने बड़े से चश्मे से उसके पेजों को देख रहे थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में आश्चर्य कर रहा था, एच हैमल माउंटेड हिज चेयर, एच हैमल अपनी कुर्सी पर बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और उसी गंभीरता से और उसी प्रेम की अपनी मधुर आवाज़ से जो मुझे यूज किया करते थे, सेडून ने कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, आई सेल गिव यू, जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ये ऑर्डर आया, बर्लिन द कैपिटल ऑफ जर्मनी, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि अल्सास और लॉरेन के जिलों में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तुम्हारे कल जर्मन पढ़ाने वाले टीचर आ जाएंगे।
दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने। तो इसका पार्ट टू हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।